आज की इस ब्लॉग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग दिखाने वाले हैं टाइगर हिल का सनराइज जो कि दार्जिलिंग में है। सो आप लोग इस ब्लॉग वीडियो में बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं टाइगर हिल के लिए और हमारे साथ एक अंकल जी हैं, उनके साथ हम लोग निकल रहे हैं। और बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी म्यूजिक बज रही होगी और ये कोई हुंडई का गाड़ी है, जिस गाड़ी पे अभी हम लोग, मिनी कार है जिस पे हम लोग अभी निकल पड़े हैं। और चलिए देखते हैं, और आप लोग इस ब्लॉग वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उगता हुआ सूरज को हम लोग देखने वाले हैं आज। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं टाइगर हिल के पास और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी बारिश हो रही है और हम लोग एक छाता खरीदे हैं क्योंकि बारिश में हम लोग भीग रहे थे। और यहाँ पे टाइगर हिल पे बहुत सारे लोग हैं जो छाता लगा कर मतलब देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सनराइज को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे एक नेटवर्क है, टावर है किसी भी कंपनी का, आई डोंट नो। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोगों की तगार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है देखने के लिए सनराइज। और हम लोग भी यहाँ पे बहुत उत्साहित हैं कि सनराइज कैसे होता है यहाँ पे देखें। और यहाँ पे बहुत सारे और भी पहले से लोग हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि और भी धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही है और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं अभी सनराइज को देखने के लिए। और सारे लोगों के पास एक अम्ब्रेला है, छाता है, जिसके सहारे लोग बारिश से बच रहे हैं, ना कि बारिश से भीग जाते सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत ही समस्या। तो गाइस अभी हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में मतलब पूरब की ओर खड़े हुए हैं और सारे लोग देखने के लिए रेडी हो चुके हैं कि सनराइज कब होगा। सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग भी खड़े हैं। और देखिए सनराइज जल्द ही शायद होने वाला है क्योंकि और रेड सर्कल बन रहा है उस क्लाउड के ऊपर, बादल के ऊपर देखिए। तो गाइस यहाँ पे एक समस्या मतलब हम लोगों को फेस करने को दिख रहा है कि सामने जो दिख रहा है आप लोगों को पूरा बादल छाया हुआ है, शायद सनराइज ना दिखे। पर आप लोग वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में बने रहे, शायद हो सकता है कि सनराइज हम लोग को देखने को मिले। और सनराइज का टाइम है 4:42 का, आज का 9 तारीख है, आज 9 जून, आज का टाइम है 4:42। तो गाइस टाइगर हिल की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8500 फीट की ऊंचाई पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं और सनराइज का वेट करना है कि कब सनराइज होगा। बादल ही आ गया, अच्छा लग रहा है। और ऊपर से देख सकते हैं पूरा क्लाउड दिख रहा होगा, पूरा काला बादल छा जाए। तो गाइस लगता है कि जल्द ही सनराइज होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रेड टाइप का हो गया है जहाँ से सूरज निकलता हो। ओ गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि हो रहा है सनराइज, धीरे 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 रोशनी और बढ़ रही है, मतलब कि 4:43 हो चुका है बट क्लाउड की वजह से अभी सनराइज नहीं दिख रहा है। हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दस्ती है तन्हाइया। तो आज बहुत ही दुखद एक इंसिडेंट हुआ है कि बारिश हो रही है और यहाँ पे मतलब सनराइज का वक्त भी बीत चुका है पर क्लाउड की वजह से मतलब हम लोगों को सनराइज नहीं दिख रहा है। ब्लॉगिंग करते हैं क्या? तो गाइस एक्चुअली सनराइज तो हो चुका है बट सनराइज क्लाउड की वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और आपसे बता दें कि यहाँ पे कंचनजंगा का माउंटेन दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हैं इसे, पर्वत श्रृंखला सॉरी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं, चोटी वो चोटी तो काराकोरम हो गया। Thank you.
तो गाइस अभी सनराइज हुआ है, लगभग आपसे बता दें टाइमिंग है यही 5:18 पे सनराइज हुआ और रियल टाइम इसका था 4:42 का। क्लाउड की वजह से सनराइज हम लोग रियल टाइम पे नहीं दिखा पाए हैं आप लोगों को। तो गाइस हम लोगों के उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि गाइस यार सनराइज हम लोग नहीं देख पाए और क्लाउड बादल की वजह से और बारिश की वजह से सनराइज नहीं हो पाई है वक्त पे है। और अभी तो आगे भी मतलब सन ऊपर चला गया है और मतलब हम लोग सनराइज को नहीं दिखा पाए, तो सॉरी गाइस। और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।